हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ बनाने के लिए मिर्ची भज्जी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये मिर्ची को पहले से कट करके रखी हूँ, ग्रीन मिर्ची को। ये बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इसको दो पीसों में कट किया। और बेसन चाहिए 1 बिग बॉल, चिली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर और 1 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए। और एक बाउल में हम लोग पहले बेसन डालेंगे। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डालेंगे इसमें। 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर। और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कितना आपको स्पाइसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने 1 स्पून लिया है, 1 स्मॉल स्पून चिली पाउडर ली हूँ। अब इसको थोड़ा पानी मिक्स करके इसमें पानी डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे 1 स्पून से। बैटर को थोड़ा थिक ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालेंगे, बैटर थोड़ा थिक रखेंगे। और अभी इसको मैंने पानी से अच्छे से मिक्स कर ली। अब इसमें थोड़ा मैं 1 स्पून विनेगर डालूँगी, स्पाइसी विनेगर है ये, मैं 1 स्पून इसमें डाल दूँगी विनेगर। अभी वापस इसको मैं मिक्स करूँगी। पैन गरम हो गया, इसमें मैंने ऑयल डाल के रखी हूँ, जो ऑयल भी गरम हो गया है। अभी एक एक भज्जी को लेकर इसमें थोड़ा डिप करेंगे और इसको थोड़ा ऐसा लपेटेंगे, पूरा कवर कर देंगे, कहीं से वो ग्रीन चिली ऐसा दिखे नहीं। हाँ, इसको हम लोग अच्छे से डिप करेंगे, देखिए इस तरह से। इसलिए मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बैटर जो है वो थिक ही रखेंगे और 2-3 राउंड ऐसा घुमाकर उसको करेंगे ना, तो उसके अंदर वो अच्छे से जाएगा। और गरम तेल में इसको डाल देंगे, ऐसे करके मैं एक बार में 2 या 3 लूँगी। और ये जो बीच है ना, बीच का भी ओपन करके थोड़ा इसके अंदर भी मैं बेसन लगाऊंगी। ये मिर्ची जो है ना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता, तो सभी इसको पसंद आएगा ये। अभी ये कुक हो रहा है, मैं बहुत फ्लेम को मीडियम पे रखूँगी, ज़्यादा फुल करूँगी तो वो पकेगा नहीं, इसलिए तो मीडियम फ्लेम पे ही रखूँगी। और ये देखिए अपने आप निकल गया, मीन्स एक तरफ पक गया। अब इसको मैं टर्न करती हूँ, वैसे ही दूसरे को भी मैं ऐसे टर्न करूँगी। थोड़ा कलर चेंज होगा, रेड होगा, तब मैं गैस ऑफ करूँगी। अभी ये दूसरे साइड भी पक रहा है। अब ये रेडी हो गया, मैं इसको एक एक करके निकाल लूँगी। सॉरी, मैंने एक एक करके निकाल लिया। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डालूंगी, एवरेस्ट का चाट मसाला डालूंगी और टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म चाय और कॉफी के साथ। तो प्लीज आप बनाइएगा जरूर और मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा ये कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।